भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है। इस सीरीज के पिछले दो सीजन को खूब पसंद किया गया था। मिर्जापुर 3 की कहानी इस बार बदले की आग से ज्यादा मिर्जापुर की गद्दी की आजू बाजू घूमती है। इस बार मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू पंडित बैठ तो गया है, लेकिन पूर्वांचल के और भी बाहुबली उन्हें उस गद्दी के लायक नहीं मानते। मिर्जापुर के दूसरे सीजन के अंत में दिखाया जाता है कि गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी और कालीन भैया पर गोली चला देता है और तीसरे सीजन की शुरुआत यहीं से होती है। गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी पर विराजमान होना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा जौनपुर का शरद शुक्ला और पश्चिम के कुछ बाहुबली है। और इधर कालीन भैया कहाँ है ये किसी को कुछ अता पता नहीं है। वहीं लेडी डॉन गोलू अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। वो गुड्डू पंडित की राइट हैंड बनकर उनका साथ देती है। उधर जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला गुड्डू पंडित को हटाकर मिर्जापुर की भी गद्दी हथियाना चाहता है। इसके लिए वो प्रदेश की मुख्यमंत्री माधुरी यादव को अपना साझेदार बनाता है। माधुरी यादव प्रदेश से बाहुबलियों का खात्मा करना चाहती है, इसके लिए वो बाहुबलियों को ही अपना हथियार बनाती है। सीरीज में मुन्ना भैया तो इस दुनिया से जा चुके हैं और कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा इस पर अभी भी लड़ाई जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इसी बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। ये पूरी 10 एपिसोड की सीरीज है। वहीं गुड्डू पंडित का रोल इस बार भी काफी प्रभावशाली और मजबूत है। एक अक्कड़ बाहुबली के किरदार में अली फजल एक बार फिर से खूब जचे हैं। वहीं पंकज त्रिपाठी जो इस सीरीज के जान थे उनका रोल काफी कम कर दिया गया है, साथ ही उन्हें काफी कमजोर भी दिखाया गया है। अंत के कुछ एपिसोड से साफ है कि मिर्जापुर का आने वाला सीजन कालीन भैया के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर निर्देशन की बात करें तो गुरमीत सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीरीज का डायरेक्शन किया है। बाकी एक्टर्स ने भी बेहतरीन तरीके से अपने रोल को निभाया है।